हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। आई एम अ पैटेंट एजेंट एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर्स इन दिस फील्ड। सो पार्ट बी का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी पैटेंट एजेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में और बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चलिए आज नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप पेटेंट एप्लीकेंट रिसीव्स अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट फॉर हिज एप्लीकेशन कन्वेइंग द ऑब्जेक्शन। Clearly explain all the possible options before the applicant while providing brief overview of the process that may ensue. राइट, एक क्वेश्चन है जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक पेटेंट एप्लीकेंट है जिसको FER रिपोर्ट आती है। FER रिपोर्ट तब आती है जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हो और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको वो ऑब्जेक्शन के तौर पे एग्जामिनर आपको भेजता है। आपको वो सारे एक्सप्लेन करने जितने भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं बिफोर द एप्लीकेंट, जो कि पूरा एक ओवरव्यू उस प्रोसेस का। तो आप इस आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करोगे अगर ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है? क्योंकि अगर पैटेंट एजेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे एक पैटेंट एजेंट बनने के लिए आपको किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है, कैसी चीज़ें आपके सामने आती है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम आंसर लिखेंगे, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। राइट, डियर क्लाइंट, इफ द रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर इज एडवर्स टू द एप्लीकेंट और रिक्वायर्स एनी अमेंडमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, द स्पेसिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द कंट्रोलर बिफोर प्रोसीडिंग टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन शैल कम्युनिकेट एज एक्सपेडिटियसली एज पॉसिबल एट गिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेंट एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाई द एप्लीकेंट गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। आपको बताने की अगर कोई इफ द रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर इज एडवर्स, अगर कोई एग्जामिनर का रिपोर्ट एडवर्स आता है आपके एक एप्लीकेंट के लिए, तो उनको कौन से अमेंडमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा प्रोसीजर है, कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है कि वंस यू रिसीव FER फ्रॉम द कंट्रोलर ट्राई टू कंप्लाई विद ऑल द ऑब्जेक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स और अमेंड द एप्लीकेशंस टू हिज सेटिस्फैक्शन इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 एंड रूल 24B4। आपको सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग एंड रूल 24B4 के अकॉर्डिंग 12 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें आपको उनको भेजनी है और उनको सेटिस्फाइड करना है जो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने बताया है। इफ़ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड, अगर आपका कंट्रोलर सेटिस्फाइड होता है, फाइंड योर एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ ग्रांट, देन सी शैल ग्रांट द पेटेंट। अगर वो सेटिस्फाइड हो गए तो आपका एप्लीकेशन आगे जाता है और वो ग्रांट प्रोसेस में मूव ऑन करता है। तो ये सारी कहानी होती है। FER आता है, कभी कभी एग्जामिनर को कुछ ऑब्जेक्शन दिखता है तो वो आपको भेजते हैं, तो आपको इसको सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग और रूल 24B4 के अकॉर्डिंग 12 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आपको इस तरीके से इसका आंसर प्रेजेंट करना है। काम की बातें लिखनी है, बेफालतू की बातें आप उसमें भरोगे नहीं। राइट, तो ये चीज़ें हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। और पर डे इस चैनल पे मैं क्वेश्चंस इस तरीके का लेके आती हूँ, क्योंकि MCQ पार्ट ए आप लोग कर लोगे, इट्स नॉट वेरी टफ। बट द थिंग इज़, जो पार्ट बी होता है और जो भी केस बेस्ड क्लेम मैपिंग टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और जो लोग ट्यूशंस, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या जो लोग के पास टाइम नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये ले सकते हैं। क्योंकि मेरा इस एक मोटो है इस चैनल का यही कि मैं आप लोगों को एक अच्छी एक चीज़ें बता सकूं जिससे बहुत सारे बच्चे पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।